रेडी। ललितपुर के दिगंबर जैन आटा मंदिर में राष्ट्रीय विष्णु संगोष्ठी का शुभारंभ आज 20 सितंबर को जैन आटा मंदिर जी में आचार्य मिश्र सागर जी हो चुका है। इस संगोष्ठी में ललितपुर स्थानीय विद्वानों के अलावा लगभग 21 विद्वान आए हुए हैं, जो लखनऊ से, बनारस से, मैनपुरी से, मुरैना से, सनावत से, जयपुर से, भोपाल से, सागर से, बीना से, बोधगया से, बड़ौत से और सायगढ़, भोपाल इत्यादि अन्य जगह से हमारे ललितपुर नगर में विद्वान आए हुए हैं। सभी का दिगंबर जैन पंचायत समिति ने आचार्य श्री के सानिध्य में आज शुभारंभ मेला पर सम्मान और स्वागत किया और यह विद्युत संगोष्ठी अनवरत दो टाइम प्रातःकालीन और दोपहर में चलेगी और ये 22 सितंबर तक इसका अनवरत कार्यक्रम बना रहेगा और समापन मेला पर दिगंबर जैन पंचायत के सानिध्य में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। जैन संगोष्ठी के बारे में आचार्य विनोद सागर जी ने अपने उपदेश दिए तो वहीं आयोजन के संयोजक डॉक्टर श्रेयांत जैन बड़ौत जिन्होंने गोष्ठी के संदर्भ में मानक के अंतर्गत बताया, तो वहीं विनोद जैन रजमास प्रतिष्ठाचार आपके भी विचार इस संगोष्ठी में ललितपुर लाइव को मिले, अन्य विद्वानों के भी विचार ललितपुर लाइव अनवरत दिखाता रहेगा झलकियों के साथ। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी में, मैं ललितपुर लाइव टीवी में आपको संगोष्ठी के अंतर्गत सुनाता रहूंगा। मैं मनोज जैन ललितपुर लाइव टीवी के साथ रवि जैन। हम हृदय स्थली वीर सावरकर चौक के स्थित श्री दिगंबर जैन पार्कनाथ जैन आटा मंदिर जी में आचार्य श्री विनोद सागर जी के सानिध्य में राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत शहर ललितपुर में हिंदुस्तान के नामी गिरामी जैन विद्वान लगभग 21 की संख्या में आए हुए हैं, जिसमें स्थानीय विद्वानों का भी संगम है। इस संगोष्ठी में जैन विद्वान भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति के अंतर्गत अपने विचारों को आलेख के माध्यम से आचार्य श्री के समक्ष पढ़ेंगे। हम आचार्य श्री विनोद सागर जी के सानिध्य में होने वाली संगोष्ठी के अंतर्गत आचार्य श्री के मुखारविंद से दो शब्द उपदेश के रूप में लेना चाहेंगे। आचार्य श्री, संगोष्ठी का मायने उद्देश्य वर्तमान में कितना सार्थक हो सकता है? संगोष्ठी का मतलब ये है कि सम्यक ज्ञान की विस्तृत रूप से चर्चा, तत्व पर, सिद्धांत पर, आचरण पर और सामाजिक व्यवस्थाओं पर, कि धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाएं मर्यादा के साथ, अनुशासन के साथ, संस्कृति के संरक्षण के साथ कैसे चल सकती हैं आदि आदि पर बहुत बहुत गंभीर और पूर्ण रूप से आपस में विद्वान चर्चा करते हैं और उसका रस यानी एक निचोड़ यानी फल निकालते हैं कि वास्तविकता सामाजिक में फैली हुई त्रुटियाँ सामाजिक व्यवस्था में फैले हुए। गुरु जी, इस संगोष्ठी का मूल कोई विषय आधार? इस संगोष्ठी के विषय तो सामान्यतः जैनत्व के आधार पर सामाजिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना है। जैन सिद्धांत के अनुसार अगर संसार में संसारी प्राणी रहना चालू कर दे और अपना आचरण करना चालू कर दे तो उसे अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमें सामाजिक व्यवस्थाओं में कैसे रहना चाहिए, समाज में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमारे अंदर धार्मिकता कैसी होनी चाहिए और आपसी मेलजोल, एकता, भाईचारा जो इस सामाजिक व्यवस्था में जरूरी गुण हैं, जरूरी विशेषताएं हैं जिससे समाज व्यवस्थित होती है, समाज का उत्थान होता है, वो इस संगोष्ठी के फल में मिलते हैं, मिल सकते हैं। बस ज़्यादा का मतलब है कि अब नए नए विद्वान चाहते हैं, जो पुराने विद्वान थे समय पाते काल की गाड़ी में समाहित हो गया, अत्यागन की समाधि या मृत्यु हो गई, लेकिन वर्तमान में जो भी अभी विद्वान हैं, लगभग अच्छे विद्वानों में 50 विद्वान उच्च कोटि के जैन दर्शन हमारे बीच में भारत देश के प्रतिष्ठाचार पंडित श्री विनोद कुमार जी जैन रजमास हमारे बुंदेलखंड नगरी धरती के जन्मे, लेकिन आज अपने जैनत्व और विद्वत्ता के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से अपना जैनत्व का लोहा मना रहे हैं और आज विद्युत संगोष्ठी में उनका ललितपुर आगमन हुआ है। आचार्य विनोद से सर, यह संगोष्ठी पूर्व से निर्धारित विषय पर विद्वान के लिए ऊहापोह करना पड़ता है, बहुत गंभीरता से विषय को
ला करके पूरे रेफरेंस के साथ और यहाँ पूरे विद्वानों के और जन समुदाय के बीच में प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे उस विषय की गंभीरता निकले और लोगों को विश्वास हो के शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है, उससे विश्वास बढ़ता है, एक अंदर में एक ठोस दृढ़ता बनती है, श्रद्धान बढ़ता है और उस विषय पर अलग अलग और नए नए विषय खोजने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह कार्य पूज्य आचार्य श्री विनिष्ठ सागर जी महाराज की सन्निधि में डॉक्टर श्रांस कुमार जी बड़ो जी के संयोजन में, जिन्होंने विषय देकर के हम सबको उस विषय पर शोध लेख लिखने का कहा और उस पर हम लोग शोध लेख लाए हैं, उसको बांचेंगे जिससे लोगों को ज्ञान बढ़ा।